नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को वार्ड संख्या 20 के नागरिकों ने नगर आयोग को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम आते ही मच्छरों का प्रकोप पूरे शहर में फैल गया है, जिससे निजात दिलाने के लिए निगम द्वारा कुछ सिलेक्टिव जगह पर दिखावे की फॉगिंग की जा रही है, जिसमें केमिकल काफी निम्न स्तर की है, जिसमें मच्छरों की संख्या घटने के बजाय बढ़ जाती है। वहीं वार्ड संख्या 20 के झाड़ूडी और काली मंदिर जैसे इलाके में नालियां बदबू दे रही है तथा सड़कों की स्थिति पूरी तरह से खस्ताहाल है, जिसे अविलंब निर्माण की जरूरत है। देखिए, अभी पूरा जो धनबाद शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो मच्छर का आतंक है। आप एक मिनट भी शाम ढलते कहीं बैठ नहीं सकते, और मच्छर के कारण बच्चों की पढ़ाई, आम लोगों का जीना हराम हो गया है। और नगर निगम द्वारा कुछ कुछ सेलेक्टेड क्षेत्र में फॉगिंग मशीन से छिड़का हो रहा, वो भी जस्ट मुंह दिखाओ लोला बात होता है कि कहाँ कहाँ कुछ खास लोग के लिए किया जाता है, और उस पर भी उसमें केमिकल ऐसा है कि और मच्छर को लगता बल मिल जाता है उस केमिकल से। तो मुझे लगता है कि केमिकल का जो क्वालिटी है वो बहुत निम्न स्तर का है। एक तो क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको अच्छी क्वालिटी का केमिकल के साथ पूरे शहर में हम लोग फॉगिंग का मांग करते हैं कि फॉगिंग करें और मच्छरों से लोगों को राहत मिले। दूसरा नंबर वार्ड नंबर 20 जो धनबाद का सबसे पॉश एरिया है, उसमें आप जाके देख लीजिए, लगता है जैसे कि कोई प्रतिनिधि कभी रहा ही नहीं है। हर सड़क नाली का समस्या है, विशेष तौर पे झाड़ूडी। झाड़ूडी में आप सड़क पे जब चलेंगे तो आपको लगेगा कि अब शहर में तो है ही नहीं, लगेगा किसी सुदूर गांव जहां पर कि कुछ नहीं है। आज 20 साल पहले जो गांव में सड़क हुआ करता था उस तरह का आपको महसूस होगा। काली मंदिर रोड बिल्कुल सेम स्थिति है। तो हम लोग ये मांग करने आए हैं कि ये दोनों रोड कम से कम अभी तुरंत यथाशीघ्र इसके टेंडर निकाल के उसमें सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाए।